When a force F acts on a body mass m, the acceleration produced by the body is a. If three equal forces on the same body is act on the same body shown in figure, the acceleration is. तो आपकी ये फोर्सेस दिखाए, एक आपका फोर्स इस डायरेक्शन में है, F1 फोर्स इस डायरेक्शन में, दिस इज F1. F2 फोर्स इस डायरेक्शन में है, F2. और आपका ये जो F3 फोर्स है, ये F2 से 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस डायरेक्शन में है. तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम बच्चों कैसे करनी चाहिए, कैसे करें इस टाइप की प्रॉब्लम को? तो हम इस टाइप की प्रॉब्लम को करते हैं एक और तरीके से. आइए देखते हैं वो तरीका क्या है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट, F1 एंड F2 का रिजल्टेंट क्या आएगा. और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको सब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो सब्स्ट्रैक्ट कर दिया हमने यहां पर, तो रिजल्टेंट फोर्स हमें मिल जाता है कुछ इस तरीके से. और एफ आर रिजल्टेंट मिल गया F रूट टू माइनस वन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाई मास. और मास की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं, तो एक्सेलेरेशन एफ आर दैट इज एफ रूट टू माइनस वन, एंड मास है आपका एफ बाई, माफ करना बच्चों, एक्सेलेरेशन है आपका एफ बाई एम. तो हमें एक्सेलेरेशन ए प्राइम देखना है, तो एफ बाई एम हो जाएगा. तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए प्राइम इज इक्वल टू, यहां से बच्चों एम लिख लेते हैं हम, ये ज्यादा अच्छा है. F की जगह यहां पे हमें लिखना था M. M इज इक्वल टू हो जाएगा F बाई ए, तो दैट इज F बाई ए. सो इट इज A प्राइम इज इक्वल टू A रूट टू माइनस वन, एंड दैट इज द आंसर. तो आज के सेशन में बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ.